हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो है शराब के बारे में, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं। हालांकि सबको पता है कि शराब पी रहे हैं तो नुकसान करेगी और मेरी जान को भी खतरा है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब जानने के बाद भी लोग शराब छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही मैं जानना चाहती हूँ। क्या आपको अपनी फैमिली से प्यार नहीं है या अपने बच्चों से प्यार नहीं है? कोई भी चीज़ लेना नुकसानदायक नहीं है अगर वो लिमिट में ली जा रही है। जब आप लोग आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं तभी बस चीज़ें नुकसान करना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जब आप आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं तभी वो नुकसान करना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर शराब तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, बिल्कुल हमारे लीवर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन ये कहने में बड़ी आसान सी चीज़ लगती है कि शराब पीने से लीवर ख़राब हो जाता है, लेकिन जिनका होता है उन्हें मैंने नज़दीक से देखा है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है नज़दीक से लीवर ख़राब होते हुए, कि वो प्रोसेस क्या होता है। आप ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि बस लीवर ख़राब हुआ और हम ऊपर चले गए, ऐसा नहीं होता। उससे बहुत दिन पहले से जो तकलीफ़ें आपको होती हैं, कैसे घुट घुट के आप जीते हैं, कितनी तकलीफ़ों से गुजरते हैं, वो शायद आपको अभी नहीं पता है। लेकिन जिसके साथ होता है, जिसके साथ चल रहा होता है, वो सब चीज़ें वही लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। और घर वालों पर क्या बीतती है जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं और बोल देते हैं कि अब हम आपके मरीज को नहीं बचा सकते हैं। और जितना भी अस्पतालों में पैसा लगा होता है, जितना भी इंसान भी जाता है और पैसे भी जाते हैं, और आपकी फैमिली का फ्यूचर भी सब खराब हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप लोग पी रहे हैं तो उसे लिमिट में पीजिए, आप उसे अपना नशा मत बनाइए, अपनी लत मत बनाइए। और आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या कुछ होता है आपकी बॉडी में शराब ज़्यादा पीने से, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसे बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए। अगर फैमिली में आपको मना किया जा रहा है कि आप अपनी शराब को छोड़िए, तो आप कोशिश कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए साथ में, क्योंकि वैसे तो आप बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को भी बहुत प्यार करते हैं और उनकी सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। सही बोले तो पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ही ऊपर होती है अपने बच्चों को खुश रखना, तो ऐसे आप बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप रियल प्यार करते हैं तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके ना रहने पर वो सब चीज़ें कौन करेगा, उनका ख्याल कौन करेगा? क्योंकि किसी भी औरत का जो आदमी होता है, जो उसका पति होता है, उससे ज़्यादा ख्याल कौन रख सकता है, आप बताइए। शादी के बाद, शादी से पहले तो माँ बाप होते हैं ख्याल रखने के लिए, लेकिन शादी के बाद पूरी जिम्मेदारी उसके पति पर ही होती है, घर को देखना, जिम्मेदारी पूरी उठाना। और अगर आप ही ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फैमिली को जो नुकसान है वो भी आप समझिए, नुकसान सिर्फ आपका नहीं है, आपके ना रहने पर जिस दिन डॉक्टर ये बोल देगा कि अब बहुत हो गया, अब आपका लीवर बिल्कुल फेल हो चुका है, या तो इसे ट्रांसप्लांट कराइए और या फिर वक्त रहते आप ये कम कर देते तो सब कुछ हो सकता था। उस दिन आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट कराना हर एक के बस की बात नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो जो भगवान ने आपको अंग दिए हैं उन्हें आप सही रखिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें। और लीवर तो ज़रूरी नहीं है कि पीने वालों का ही ख़राब हो, कभी कभी ज़्यादा ऑयली आइटम खाने से भी, जब बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से भी आपका लीवर ख़राब हो जाता है। तो उन बातों का भी आप ध्यान रखिएगा कि इन सब चीज़ों से भी लीवर ख़राब होते हैं, बाहर के आइटम से। लेकिन सबसे ज़्यादा लीवर ख़राब होने की संभावना किनको होती है? जो लत लगा लेते हैं पीने की। तो चलिए आगे वीडियो में जानते हैं कि क्या क्या नुकसान होते हैं पीने से। और अगर आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं तो प्लीज़ इसको छोड़िए, नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोशिश करिए, वो हर चीज़ करिए, हर उपाय करिए जिससे आप इस चीज़ को छोड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए वीडियो में, पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं ज़्यादा शराब पीने से। ज़्यादा शराब पीने से दिल की बीमारी, स्ट्रोक, लीवर की बीमारी से लेकर कैंसर तक की खतरनाक बीमारियां होने का खतरा मंडराता रहता है। समय के साथ शराब जो होता है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है, इससे और भी बीमारियाँ आपके शरीर में लगने लगती हैं। इसके अलावा याददाश्त और दिमाग से जुड़ी समस्याओं को भी दावत देती है ये शराब।
वैसे तो शराब की लत हर तरह से नुकसानदायक ही है, लेकिन इसका कुछ अंगों पर अत्यधिक बुरा असर पड़ता है, जैसे लिवर पर तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आपकी जो हद से ज़्यादा शराब पीने की आदत है वो लिवर को हजम नहीं होती है, तो लिवर अपना काम करना बंद कर देता है, क्योंकि लिवर की भी एक अपनी कैपेसिटी है कि वो क्या चीज़ हजम कर सकता है क्या नहीं, लेकिन जब आप उस पर लिवर पर अत्याचार करने लगते हैं तो वो फिर हाथ खड़े कर देता है कि बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सहन कर सकता। तो इसीलिए कोई भी चीज़ हो, आप नुकसानदायक चीज़ है, आप उसे बिल्कुल लिमिट में कर दें। अगर आज आप लोगों को भी ऐसी आदत है कि दिन भर मुझे पीना है, तो आप उसे बिल्कुल लिमिट में कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा असर लिवर पर ही पड़ता है। लिवर से संबंधित बहुत सी बीमारियां और भी हो जाती हैं, जिसमें से एक है सिरोसिस, जो सबसे ज़्यादा ख़राब बीमारी है। और ज़्यादा शराब के सेवन से लिवर सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। सिरोसिस एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और बहुत कष्ट देती है। और ज़्यादा शराब के सेवन से आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। जो लोग 40 से 50 ग्राम शराब डेली पीते हैं, उन्हें लीवर ख़राब होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं हम शराब नहीं पीते, हम विस्की, रम, वाइन ये सब चीज़ लेते हैं, ये सब अच्छी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अल्कोहल सभी में है, ऐसा नहीं है कि इन सब में अल्कोहल नहीं है, सभी नुकसानदायक होती हैं, कुछ कम और कुछ ज़्यादा, और सभी में अल्कोहल होता है। जिनको हेपेटाइटिस B की बीमारी है, उनका लिवर और जल्दी ख़राब हो जाता है। ज़्यादा शराब पीने से 4 तरह की बीमारियां हो जाती हैं। एक तो लिवर आपका फैटी लिवर हो जाता है, जिससे लिवर में सफ़ेदी आ जाती है। जब अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि आपका लिवर सफ़ेद पड़ चुका है, उसे फैटी लिवर बोलते हैं। इसमें कभी कभी आपके पेट में दर्द रहता है, आपको थकान सी महसूस होती है। दूसरा है लिवर कैंसर भी हो सकता है आपको, इससे पेट के राइट साइड में दर्द होता है और लिवर में एक गांठ सी बन जाती है। हेपेटाइटिस B हो जाता है इससे। और फोर्थ है लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो ये तो बहुत ही ख़राब बीमारी है, इसमें आपके पेट में पानी भर जाता है और फिर वो पानी निकालना पड़ता है, बार बार वो पानी बनता है, बार बार निकालना पड़ता है। डॉक्टर्स बोलते हैं आपको नमक नहीं खाना है, नमक से और पानी बढ़ रहा है आपका, लेकिन पानी निकालने की भी एक लिमिट होती है। और वो पानी निकालते निकालते एक दिन ऐसा समय आता है कि डॉक्टर मना कर देते हैं। फिर सबसे लास्ट उपाय हम लोगों के पास बचता है लिवर ट्रांसप्लांट का। जो लिवर ट्रांसप्लांट कराने की हैसियत हर किसी की नहीं होती, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपना लिवर ट्रांसप्लांट करा सके। तो जो भगवान ने आपको एक अच्छा खासा लिवर दिया है, तो प्लीज़ आप उसे ख़राब मत करिए, उसे अच्छा रखिए। जब इलाज चल रहा हो आपका, तो आप बिल्कुल भी शराब मत पीजिए, क्योंकि एक स्टेज ऐसी होती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, बशर्ते कि आप शराब बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन जब भी उस वक्त भी आप अगर शराब नहीं छोड़ते हैं, तभी आपको खतरा हो जाता है। शराब छोड़ने से, जिस वक्त आपका इलाज चल रहा हो उस वक्त शराब छोड़ने से और अच्छी डाइट देने से, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट देने से आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा पीते हैं, तो वो लोग शराब छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, इलाज चलता रहता है और वो पीते रहते हैं, तो इसी से बीमारियाँ और ज़्यादा बुरा रूप ले लेती हैं। और इसके बाद डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं कि अब मैं आपके पेशेंट को नहीं बचा सकता, और उस वक्त आपके घर वालों पर क्या बीतती है ये वो घर वाले ही जानते हैं जिनके ऊपर बीतती है। तो प्लीज़ आप लोग शराब से जितनी दूरी बना सकें उतना ही अच्छा है, कहीं से भी ये अच्छी चीज़ नहीं है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि शराब पीने वालों के ही लीवर ख़राब हों, कभी कभी ज़्यादा ऑयली खाना खाने वालों के भी लीवर ख़राब हो जाते हैं। जो लोग बाहर का आइटम ज़्यादा खाते हैं, ऑयली खाते हैं, तो उनके भी फैटी लीवर हो जाते हैं। जो सब लोग बोलते हैं कि इनका लीवर बढ़ गया है, वो यही फैटी लीवर हो जाता है, आपके लीवर के आसपास फैट जमा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि दोनों ही चीज़ें अवॉइड करिए, एक तो शराब भी और दूसरी ये जो ऑयली आइटम आप लोग खाते हैं ना, बाहर का सामान, बहुत ज़्यादा ऑयली, मिर्च मसाले तेज खाना, ये सब बंद कर दीजिए, आपका लीवर अच्छा चलेगा। हमारे अंगों की भी एक कैपेसिटी है काम करने की, खाना को हजम करने की, तो अगर हद से ज़्यादा हम लोग उन पर बर्डन डालेंगे तो वो क्या करेंगे, वो फिर अपना काम करना बंद कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे लिए न्यू हैं, वो लोग चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें,
और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें जैसे अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।